हाय बच्चों, मैं मणिकांत पाठक, VGPT पाठ्यक्रम के चैनल में आपका स्वागत है। आज क्रैश कोर्स का 8वां दिन है और इंट्रीगेशन पे 6ठा और 7वां क्लास में अच्छा खासा वीडियो जा चुका है। आज हम लोग इंट्रीगेशन का पार्शियल फ्रैक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं और आई होप कि आप लोग को मज़ा आ रहा होगा। बहुत सारे बच्चे कॉमेंट भी कर रहे हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कॉमेंट में लिख करके बिल्कुल शेयर करिए। इनफैक्ट अगर आपको कोई समस्या है, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पे 9304439103, ये हमारा टेलीफोन नंबर है, मेरा मोबाइल नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। आप इस पर पर्सनली हमको कॉल भी कर सकते हैं और आप चाहें तो पर्सनली इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर कोई सवाल हो जिसको आप नहीं बना पा रहे हैं इंट्रीगेशन का, आप उसका फ़ोटो खींच करके मेरे इस नंबर पे आप शेयर कर दीजिए। बच्चों देखो, मामला क्या है, क्रैश कोर्स का जो मेन मकसद है वो कम समय में आपका प्रॉपर वे में रिवीजन करना। क्रैश कोर्स को अगर आप सच मायने में सफल बनाना चाहते हैं तो हर वो टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके पैरल आप भी अपने सिलेबस को आगे लेके चलते रहो। मतलब आपको ये समझना है कि आप हमको फॉलो कर रहे हैं और जहाँ हमको फॉलो करते करते आप पूरा सिलेबस को भी फॉलो कर लेंगे। जैसे आज हमारा क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन है। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या करना है, जा करके पूरा पार्शियल फ्रैक्शन अपने घर में बनाना है अच्छे से, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। अब मेरा नंबर नोट कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हताश रहते हैं, कैसे पास करेंगे नहीं करेंगे, तो आप लोगों के मदद से उनको बेनिफिट मिल सके इस मुहिम में थोड़ा साथ दीजिए। अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए, है ना, और कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट करिए। चलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन से लोगों को अक्सर डर लगता है, तो सबसे पहले इंट्रीगेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन शुरू करने के पहले पार्शियल फ्रैक्शन है क्या, पार्शियल फ्रैक्शन कहते किसे हैं उसको समझते हैं। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आते जा रहा है, अंदर की ऊर्जा और उत्साह को एकदम बढ़ाना चालू करो थोरोली, है ना। थोड़ा सा वीडियो को अपलोड करने में लेट हो रहा है इंटरनेट की स्पीड वगैरह की वजह से। इंटरनेट के स्पीड के रिगार्डिंग भी कुछ काम हम लोग कर रहे हैं, हो सकता है 2-4 दिन के बाद इंटरनेट का स्पीड हमारा अगर सुधर जाता है तो एकदम पक्का कमिटेड टाइम 8 बजे आप लोग का वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो चलिए ध्यान से देखिए, कहता है ये एक फैक्टर है, एक एक्सप्रेशन है, 2x+3 / x-3 × x+1। पार्शियल फ्रैक्शन का नौबत तब आता है जब ऊपर का डिग्री कम हो, नीचे का डिग्री ज्यादा हो। आप अगर गौर से देखेंगे तो ऊपर में 1 डिग्री का है, नीचे में 2 डिग्री का इक्वेशन है, हाँ ना। ऊपर में 1 डिग्री का है और नीचे में 2 डिग्री का इक्वेशन है, ठीक है बेटा। चलो अब कॉन्सेंट्रेट करो। अगर हमको कह देगा कि भैया इसका इंटीग्रेट करो तो भाई हम हाथ उठा देंगे और कहेंगे भैया हमको इसका इंटीग्रेशन आता नहीं। चलिए, तो अगर इसका इंटीग्रेशन नहीं आता है तो बनेगा कैसे। तो अगर हम लोग कुछ ऐसा उपाय लगाए कि इसको रिजॉल्व कर लें, ध्यान रहे पार्शियल फ्रैक्शन का जो रूल रेगुलेशन है वो सब बाद की बात है, हम लोग एक एक करके सारे रूल रेगुलेशन को समझेंगे और हम लोग बनाएंगे। बेसिकली हमारा मकसद है हाउ वी पार्शिएट देम देन आफ्टर हाउ वी इंटीग्रेट देम। तो इंटीग्रेशन एक पार्ट है जिसको ऑलरेडी सीख चुके हैं, अब इसको कैसे पार्शिएट करना है उसको सीखते हैं। आखिर कुछ ऐसा रहा होगा a बाय दिस जोर b बाय दिस के फॉर्मेट में जिसको जोड़ने से ये आया होगा। आखिर किस दो फैक्टर को जोड़ के आया, वो दो फैक्टर हमें पता करना है। फिर से रिपीट करें बच्चों, क्या करना है, आखिर यह जो एल ये है ना, दिस और दिस है ना, दिस इंटू दिस, तो ये दिस इंटू दिस कब आता है, जब इसका इसका एलसीएम लेते हैं तब आता है। तो आखिर कुछ a बाय एक्स माइनस थ्री जो b बाय एक्स प्लस वन के फॉर्मेट में रहा होगा जिसको हम ऐड किए होंगे तो ये वाला टर्म आया होगा। तो अब किसको दो को जोड़ करके ये आया है उसको फाइंड आउट करते हैं। अब सोचो देखो, इसका इंटीग्रेशन बोलता है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x कर लेंगे।
इसका नहीं जानते, लेकिन इसका जानते हैं। इसमें क्या करेंगे भाई, ए कॉमन ले लेंगे log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस थ्री, प्लस बी कॉमन ले लेंगे log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस वन, प्लस सी, है ना सर। लेकिन ये सपना मेरा तब पूरा होगा जब इसको हम लोग इस दो फॉर्मेट में दो पाएंगे, इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर को रिजॉल्व कर पाएंगे, फैक्टराइज कर पाएंगे, पार्सिएट कर पाएंगे। पार्सिएट करने का मतलब होता है पृथक करना, अलग करना। इसके डिनोमिनेटर में दो फैक्टर है, इसको पार्सिएट करना है, अलग करना है। तो ए बाय दिस जो बी बाय दिस में अलग करना है, वो अलग कैसे करते हैं, उसका दो तीन तरीका है, उन सभी तरीकों को अभी हम लोग सीखेंगे। तो फिलहाल अभी इंटीग्रेशन है नहीं, और इंटीग्रेशन रहेगा तो फटाक से बना लेंगे। तो अभी इस क्वेश्चन में हम लोगों को देखना है आखिर क्या हो ए का और बी का मान, आखिर क्या हो जाए ए और बी का मान। ठीक है बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आखिर क्या हो ए और बी का मान, कि ए बाय दिस जोर बी बाय दिस ये हो जाए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ध्यान रहे तो भाई ध्यान से देखना है। तो ए को इससे मल्टीप्लाई करो, ए इंटू एक्स प्लस वन, बी इंटू एक्स माइनस थ्री, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन। अब थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो, ऊपर में क्या है 2x प्लस थ्री बाय एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन। तो बच्चों दोनों का डिनोमिनेटर सेम है या नहीं, तो दोनों आपस में बराबर x के हर मान के लिए हो जाए, ये तब संभव है जब दोनों का न्यूमिनेटर भी सेम हो जाए। तो a इंटू एक्स प्लस वन, स्विच ऑफ रखिए अपना अपना मोबाइल सब। चलिए a इंटू एक्स प्लस वन प्लस बी इंटू एक्स माइनस थ्री लिख सकते हैं। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, इसका कई सारा तरीका है इसको बनाने का, लेकिन जो एकदम सबसे सिंपल तरीका है, लेमैन का तरीका, जो सबसे पुराना तरीका है, अलजेब्रिकल मेथड, उससे हम बता रहे हैं। तो इसको हम लोग ए एक्स जोर ए प्लस बी एक्स माइनस थ्री भी लिख सकते हैं। और देखो बच्चों 2x प्लस थ्री को क्या लिखेंगे भाई, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए माइनस थ्री भी इस प्रकार से लिख दिए। ठीक है बच्चों, अब ए एक्स जोर बी के फॉर्मेट में ये भी है और ए एक्स प्लस बी के फॉर्मेट में ये भी है। दो पॉलिनोमियल आपस में बराबर एक्स के हर मान के लिए संभव बराबर हो जाए, ऐसा तब संभव है जब दोनों के एक्स का कोफिशियंट सेम हो जाए, यानी ए प्लस बी बराबर टू हो जाए। राइट हैंड साइड में एक्स का कोफिशियंट ए प्लस बी है और लेफ्ट हैंड साइड में टू है। लेफ्ट हैंड साइड का कांस्टेंट टर्म और राइट हैंड साइड का कांस्टेंट टर्म भी बराबर हो जाए। तो ए माइनस थ्री बी जो है वह किसके बराबर हो जाए भाई, थ्री के बराबर हो जाए। अब बच्चों क्या करते हैं, दोनों को हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो ए कट जाएगा, बी और थ्री बी फोर बी, और थ्री में से टू गया तो माइनस वन, बी इज इक्वल टू माइनस वन बाई फोर। चूंकि ए प्लस बी बराबर है टू के, इसलिए ए माइनस वन बाई फोर बराबर हो जाएगा टू के, ए इज इक्वल टू टू प्लस वन बाई फोर हो जाएगा, ए इज इक्वल टू चार दुनिया आठ एक नौ बाई चार हो जाएगा। ठीक है भाई, ए का मान नौ बटे चार हो जाएगा और बी का मान माइनस एक बटे चार हो जाएगा। अब देखो बच्चों बड़ा सिंपल सा काम है, यानी अगर ए का मान हम लोग, पहले तो इस प्रोसेस को समझ जाओ, यही एक प्रोसेस है, इसको अच्छे से समझना, और भी प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि नहीं है। आखिर x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन दोनों के डिनोट इसके डिनोटर में है, तो हम लोग माना कि a बाय एक्स माइनस थ्री जो बी बाय एक्स प्लस वन, ऐसा दो फैक्टर होगा जिसको जोड़ करके ये आया होगा।
ठीक है। तो फिर हम लोग एलसीएम लिए, एलसीएम लेने के बाद यहाँ आए, फिर इसको देखे कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों आपस में बराबर तब होगा जब दोनों का न्यूमरेटर सेम होगा, दोनों का न्यूमरेटर सेम तब होगा जब यह बराबर यह होगा। इसको सिंप्लीफाई किए और एक्स कॉमन लेकर के कॉन्स्टेंट टर्म को अलग किए, तो ये 2x प्लस 3 है, यह a प्लस बी इन 2x प्लस ए माइनस 3 भी है, तो ये ए एक्स जोर बी के फॉर्मेट में है, यह भी ए एक्स जोर बी के फॉर्मेट में है। दो पॉलिनोमियल आपस में बराबर x के हर मान के लिए तभी होता है जब दोनों तरफ से समान घात वाले x का कोफिशियंट आपस में बराबर हो जाए। तो उधर से x पर पावर 1 का कोफिशियंट क्या है भाई, a प्लस बी है, और इधर से x पर पावर 1 का कोफिशियंट क्या होगा भाई, 2 है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों से ही x पर पावर 1 का कोफिशियंट क्या है भाई, सेम होना चाहिए, यानी a प्लस बी का मान 2 होना चाहिए और a माइनस 3 बी का मान 3 होना चाहिए। तो a प्लस बी जो है वह 2 हो जाए और a माइनस 3 बी जो है 3 हो जाए, तो दोनों को सिंप्लीफाई करके फिर a और b का मान निकालें। बच्चों यहाँ तक समझ में? तो नाउ इतना बराबर इतना के x के हर मान के लिए तब संभव है जब a का मान 9/4 हो जाएगा और b का मान -1/4 हो जाएगा। ठीक बात? तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ तक नोट करोगे, है ना, नोट करने के बाद इस इक्वेशन में a के जगह ये और b के जगह पर वो रखोगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। दो तीन प्रकार का क्वेश्चन हम लोग लेंगे, इंटीग्रेशन फाइनली आपको पार्शियल फ्रैक्शन के बाद आपको इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा और इंटीग्रेशन आप जानते हैं। अब मान लो क्वेश्चन रहता कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 बाय x माइनस 3 इन 2x प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये अलजेब्रिक पार्शियल फ्रैक्शन के बाद हम लोग इसी अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, तो क्या करेंगे भाई, इंटीग्रेशन ऑफ 9/4 बाय एक्स माइनस 3, ये माइनस को बाहर कर लो भाई, माइनस और प्लस तो हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 बाय एक्स प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दिस इंप्लाइज 2x प्लस 3 बाय एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जो आएगा वो क्या होगा भाई, तो 9/4 को हम लोग कॉमन कर लेते हैं, तो डी एक्स 9/4 को हम लोग क्या कर लेते हैं भाई, कॉमन कर लेते हैं, डी एक्स बाय एक्स माइनस 3 1/4 को कॉमन ले लेते हैं, डी एक्स बाय एक्स प्लस 1। डी एक्स बाय एक्स माइनस 3 को जब इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 माइनस 1/4 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी ठीक बात। तो आप देखिए अगर हम इसको पार्शिएट कर पाते हैं, पृथक कर पाते हैं, अलग कर पाते हैं तो इस सवाल को बना पाते हैं। तो इस प्रकार से लीनियर फैक्टर रहे तो a बाय दिस जोर b बाय दिस के फॉर्मेट में लिखते हैं। अब एक सवाल इसी पर हम लोग दूसरा लेते हैं, चलो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई अधिक से अधिक हम हिंट करेंगे ताकि आप अधिक से अधिक सवाल को बना पाइए। पार्शियल फ्रैक्शन यूज तब करते हैं जब डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर से ज्यादा बड़ा आ जाए। कब यूज़ करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, कब यूज़ करते हैं, जब डिग्री ऑफ
न्यूमिनेटर से डिग्री ऑफ द इंटरेस्ट ज़्यादा बड़ा आ जाए। तो अभी तो बड़ा है नहीं, अभी तो सेम सेम डिग्री का है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन को हम लोग डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स से। ठीक है भाई, कैसे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स से। तो एक ही बार में डालते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या पता चला, एक्स स्क्वायर कट गया, फाइव एक्स माइनस सिक्स प्लस वन तो माइनस फाइव। जिसको इंटीग्रेट करना है उसको हम लोग आई मान लेते हैं। नाउ दिस बाय दिस इक्वल टू व्हाट, वन प्लस दिस बटे दिस, वन प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। अब यही आई जो है अपना इंटीग्रेशन ऑफ वन डीएक्स, और इस दोनों से पांच बाहर कर लेते हैं, एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में कन्वर्ट हो गया। आई इज इक्वल टू व्हाट, तो डी एक्स का एक्स हो जाएगा प्लस फाइव इंटू, इसको जब फैक्टराइज करोगे आप लोग ना, तो एक्स स्क्वायर, चलो एक स्टेप और लिख ही देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। ठीक है, इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री में फैक्टराइज हो जाएगा। देखो भाई, अपना मेन काम यहां से शुरू होता है, क्या शुरू होता है, वो तो डिवाइड कर चुके हो, डिविजन वाला पार्ट समझ में आ गया आप लोगों को, तो हम इधर वाले पार्ट्स उनको मिटा देते हैं। नाउ एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री को मान लेते हैं ए बटे एक्स माइनस टू जो बी बटे एक्स माइनस थ्री, ऐसा रहेगा। दिस इंप्लाइज एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री ए इंटू एक्स माइनस थ्री बी इंटू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। दोनों का डिनोटर आपस में बराबर है, तो ये दोनों आपस में तभी बराबर होगा जब दोनों का न्यूमिनेटर वाला फंक्शन आपस में बराबर हो जाए। दिस इंप्लाइज एक्स माइनस वन इज इक्वल टू व्हाट, अभी हम लोग इसको जिस तरीके से पहले बनाए थे उस तरीके से बनाएंगे। पाँव मत हिलाओ, क्या हो रहा है नितेश बाबू, आप ही को बोल रहे हैं। दिस इंप्लाइज एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस बी इंटू एक्स माइनस टू, ए इंटू एक्स माइनस टू प्लस बी इंटू एक्स माइनस टू। तो हम लोग एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ए एक्स यहाँ से जोर बी एक्स वहाँ से माइनस थ्री ए यहाँ से माइनस टू बी वहाँ से, एक्स माइनस वन बराबर ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस थ्री ए माइनस टू बी माइनस थ्री ए माइनस टू बी। तो दोनों आपस में बराबर एक्स के हर मान के लिए तब होगा जब दोनों तरफ से एक्स का कोफिशियंट सेम हो जाए और दोनों तरफ से कॉन्स्टेंट टर्म सेम हो जाए, यानी ए प्लस बी वन हो जाए और माइनस थ्री ए प्लस टू बी माइनस वन हो जाए। कुछ गड़बड़ हो गया लगता है, क्या कुछ तो मिस्टेक हुआ है ना, ए प्लस बी वन हो जाए और माइनस थ्री ए प्लस टू बी भी वन हो जाए, देखते हैं। तो थ्री ए प्लस टू बी वन हो जाए और इससे आ गया, तो हम लोग दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टू वन जो टू हो जाएगा और सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, थ्री ए में टू ए गया तो ए बच जाएगा
और एक में से दो जाएगा माइनस वन बच जाएगा। चूंकि a प्लस बी बराबर वन है इसलिए माइनस वन प्लस बी बराबर वन होगा, b बराबर टू होगा, यानी a का मान वन और b का मान टू हो जाएगा। ठीक बा, तो यहां पर हम लोग कोफिशियंट को इक्वेट करके दो इक्वेशन a और b में जनरेट करते हैं और a और b का मान निकालते हैं एंड देन इंटीग्रेट दें। ठीक बात, लेकिन इतना लंबा प्रोसेस के बाद ये बनता है तो आप इसको भी नोट करेंगे पाउस कर करके, लेकिन पाउस करने के बाद जब इसको नोट कर लेंगे उसके बाद जो मैं दूसरा तरीका बताने जा रहा हूं उसको देखिएगा। तो दूसरा तरीका जो बाद वाला है बड़ा सिंपल सा तरीका है, इसको कहते हैं वैल्यू पुट करके बनाना। ध्यान से समझो, ये दोनों आपस में बराबर x के हर मान के लिए तब संभव है जब दोनों का न्यूमिनेटर बराबर हो, क्योंकि डिनोमिनेटर तो बराबर है ही, दोनों का हर हमेशा बराबर है क्योंकि एक ही डाटा है, तो दोनों आपस में बराबर तब होंगे जब दोनों का अंश आपस में बराबर हो यानी न्यूमिनेटर आपस में बराबर हो। दिस इंप्लाइज, अब देखो अगर ये दोनों बराबर है x के हर मान के लिए, अगर ये दोनों बराबर है x के हर मान के लिए तो क्या ये दोनों नहीं बराबर होगा x इक्वल टू टू के लिए? तो जैसे 2 इंसर्ट करेंगे 2 में से 1 गया 1, और यहाँ जब 2 इंसर्ट करेंगे तो 2 में से 3 गया माइनस 1, और यहाँ जब 2 इंसर्ट करेंगे तो 0, तो माइनस ए बराबर 1, ए बराबर माइनस 1। तो ए बराबर क्या आ गया भाई? माइनस 1, सॉरी पहले भी माइनस 1 ही निकला था। और फिर कहता है क्या भाई, पुट, अब इसका कोफिशियंट कब जीरो हो रहा है? पुट x इक्वल टू 3, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 3 गया 0, और 3 में से 2 गया 1, तो b बराबर 2, तो a बराबर माइनस 1 निकला और b बराबर क्या निकला भाई? 2 निकला। कहीं को दिक्कत? तो इस प्रकार से पार्शिएट करेंगे, कोई दिक्कत? तो अभी अभी हम लोग देखे a के जगह पर माइनस 1 रख दिया जाए तो दिस वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस, और b के जगह पर 2 रख दिया जाए दिस बिकम्स दिस। यहां पर भैया dx था, गाड़ी अटका हुआ था, इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अगले ही पल देखो गाड़ी चल पड़ेगा। अभी अभी देखे इसका मान जो है माइनस 1 बाय एक्स माइनस 2 जो 2 बाय एक्स माइनस 3 के बराबर है। दिस इंप्लाइज आई बराबर एक्स प्लस 5 इंटू, इस माइनस को बाहर कर देंगे तो माइनस 5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये 5 2 से मल्टीप्लाई होकर के 10 बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स माइनस 3। तो भैया आई जो मिला एक्स माइनस 5, आई इज वॉट एक्स माइनस 5 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस 10 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस सी इज द आंसर। तो बहुत सिंपल है, इस प्रकार से हम लोग इसको पार्सेट करके बनाते हैं। इज इट क्लियर नॉट? तो बेटा इंट्रीगेशन, देखो बच्चों इंट्रीगेशन जो है, देखो बेटा इंट्रीगेशन जो है वो टफ नहीं है, पार्सेट करना भी उतना टफ नहीं, लेकिन पार्सेट करेंगे तो इंट्रीगेशन हो पाएगा ऐसा हम कहना चाहते हैं। ठीक, तो इसको नोट करो, हम तब तक अगला सवाल लेते हैं। तो जैसा कि हम आपको बताए हैं हम आपको पार्शिएट करना सिखा देंगे तो आप इंटीग्रेट तो कर ही लोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फिर से देखिए हम लोग पार्शिएट करते हैं, देखते हैं कैसे इसको बनाया जा सकता है।
अब दूसरा सवाल है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो बेटा क्या करना है, ऊपर में एक डिग्री है, नीचे में दो और एक तीन डिग्री है, ये दिखाई दे रहा है। ऊपर में लीनियर है, नीचे में क्वाड्रेटिक इंटू लीनियर क्यूबिक है, तो फिर यहां पर हम लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब इस फॉर्मेट में रहेगा तो कैसे बनाएंगे, 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। आपका ध्यान किस प्रकार से हम लोग पार्शिएट कर रहे हैं, पार्शिएट करना मतलब पृथक करना मतलब अलग करना, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। जब भी इस प्रकार का हो, इसी में हम दो तीन प्रकार आपको दिखाएंगे, आप समझिएगा। तो ऊपर का डिग्री कम, नीचे का डिग्री ज्यादा, तो ऊपर का प्रवाह मत करो। ए नीचे में लीनियर है x प्लस 3, ठीक बात, तो लीनियर है तो ऊपर में कांस्टेंट को डालो, और किसी लीनियर का होल स्क्वायर हो तो लिखो b बटे वो वाला लीनियर जोर c बटे वो वाला लीनियर का होल स्क्वायर। देखो बेटा अगर यहां पर स्क्वायर की जगह क्यूब रहेगा, हालांकि आपसे सवाल पूछा जाएगा, तंग करने के लिए आपको कोई क्वेश्चन दिया नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर स्क्वायर की जगह क्यूब रहता तो a बटे ये लिख लिए, b बटे इतना, c बटे इतना का स्क्वायर, फिर d बटे x प्लस 1 का क्यूब भी लिखते, इस प्रकार से चलता चला जाता, कोई दिक्कत, ठीक है। तो अगर मान लो किसी लीनियर का क्यूब हो तो कांस्टेंट बटे लीनियर प्लस कांस्टेंट बटे लीनियर का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट बटे लीनियर का क्यूब, और फिर आगे चल करके ए बी सी और डी का मान हम लोग कोफिशियंट को इक्वेट करके या फिर अप्रोप्रिएट वैल्यू को पुट करके निकालते हैं, ठीक है। तो चूंकि हमारे पास यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर ही है क्वेश्चन में, तो हम लोग ये क्यूब वाले पार्ट पर काम नहीं करेंगे। पूरे इत्मीनान के साथ अच्छे मन से ध्यान से समझना है तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। अब हमको क्या करना है भाई, इसको आखिर क्या हो ए बी और सी का मान, ताकि एल एच एस और आर एच एस आपस में बराबर हो जाए। तो दिस इंप्लाइज 3x माइनस 2, इस टाइप का सवाल थोड़ा लंबा जाता है, पूरा पेशेंस के साथ बनाना है। x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, देखो बेटा क्या करेंगे, अब एलसीएम ले लेंगे, तो x प्लस 3 एक फैक्टर होगा, और x प्लस 1 का स्क्वायर दूसरा फैक्टर होगा। अब a इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, b इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, इसमें एक ठो फैक्टर इसका भी, एक ठो फैक्टर इसका भी गुना होगा, प्लस c इंटू एक्स प्लस 3, ऐसे करके गुना हो जाएगा। अगर ए बी सी का मान पता चल जाए तो आपको इसका भी इंटीग्रेशन पता है, लॉग ऑफ एक्स प्लस 3 का मॉड, लॉग ऑफ एक्स प्लस 3 का मॉड, एक्स प्लस 1 का मॉड, और एक्स प्लस 1 पर पावर माइनस 2 का सिंपल इंटीग्रेशन जो आप लोग करना जानते हैं उससे कर लीजिएगा। तो सवाल पार्शिएट होने के बाद बहुत आसान है, यानी इसको इंटीग्रेट करना मेन इशू नहीं है, इसको इस रूप में लिखना मेन इशू है। तो दोनों का डिनोमिनेटर आपस में बराबर है, तो दोनों आपस में बराबर तब होगा जब दोनों का न्यूमिनेटर आपस में बराबर हो, यानी a इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर जो b इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स प्लस 3। अब थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो कि दे आर इक्वल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ, सॉरी हम लोग को क्या पता करना है, हम लोग को वैसा x, ध्यान दो बेटा, हम लोग को क्या पता करना है, वी हैव टू फाइंड दोज वैल्यूज ऑफ a b एंड c, हम लोगों को वैसे a b और c का मान पता करना है, हम लोगों को वैसे a b और c का मान पता करना है जिसको रख देने के बाद लेफ्ट हैंड साइड
और राइट हैंड साइड एक्स के हर मान के लिए आपस में बराबर हो जाए. वी हैव टू फाइंड दोज वैल्यूज ऑफ एक्स, दोज वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी फॉर विच द एल एच एस बिकम्स आर एच एस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स. इज इट क्लियर नॉट? तो हमको ऐसा मान पता करना है. तो 3x माइनस 2 बराबर इतना, ठीक है. फिर से रिपीट कर रहे हैं, हमको वैसा ए बी और सी पता करना है जिसके लिए एल एच एस और आर एच एस बराबर हो जाए एक्स के हर मान के लिए. कोई दिक्कत? चलिए, अब थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करिए. जो भी है उसको बोलो, 15 मिनट बैठेगा. हाँ, तो देखो बच्चों क्या है, अगर दोनों बराबर है x के हर मान के लिए, अगर दोनों बराबर है x के हर मान के लिए, तो क्या दोनों बराबर नहीं होगा x इक्वल टू 0 के लिए, x इक्वल टू 1 के लिए, x इक्वल टू 2 के लिए, x इक्वल टू 3 के लिए, x इक्वल टू 4 के लिए? तो हम लोग जान बूझ करके ऐसा वैल्यू x का रखते हैं, डिनोमिनेटर वाला रूट रखते हैं, है ना. तो क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू -1 पुट करने से ये 0 ये 0, तो सी फटाक से निकल गया. तो 3 × -1 तो -3, x की जगह -3 रखे, -2 इज इक्वल टू -1 रखने पर ये डिपार्टमेंट 0, ये डिपार्टमेंट 0, अब -1 जोड़ 3 क्या होगा, सी इंटू -1 में 3 जोड़ेंगे तो 2 मिल जाएगा. अब 3 और 2 = 5, तो c का मान हो गया -5/2. तो भाई देखो जो c का मान निकला, तो हम यहां रख देते हैं c का मान -5/2. अब ये c कैलकुलेट हो गया. अब एकदम तरीके से फिर दूसरा वैल्यू पुट करते हैं. अब एक काम करते हैं, x का मान -3 पुट करते हैं. -3 पुट करने से क्या हो रहा है, ये 0 और वो 0 हो जाना है. तो फिर से हम लोग पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू -3. जैसे x का मान -3 पुट करेंगे, ये डिपार्टमेंट 0, ये 0, तो ये 0. तो आप ध्यान से समझना कि क्या होने वाला है, ठीक है भाई. 3 × -3 तो -9 हो जाएगा, -2 = हाँ, तो -3 में 1 जोड़ेंगे तो -2 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा. -3 + 1 -2 होगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा. अब ये डिपार्टमेंट दोनों 0 हो चुका है, तो 9 × 2 = 11 -11/4 टाइम्स ऑफ ए, ए इजक्वल टू -11/4. बेटा ए का मान जो आ गया कितना आ गया भाई, -11/4. तो सी का मान -5/2 आ चुका है, ए का मान -11/4 आ चुका है. अब जो है हम लोगों को बी का मान निकालना है. तो डिनोटर में तो भैया -3 और -1 दो ही रूट है, उसे वैसा ही पुट करने से ज़्यादा फास्ट निकल जाता है. अब अपने मन ही मन को एक ऐसा एक्स सोचो जिसका मान हम लोग पुट करके बी का मान निकाल सकते हैं. अब ए पता चल गया, सी पता चल गया, जो नहीं पता चला वो क्या है भाई, वो बी है. नाउ पुट एक्स इक्वल टू 0, 3 0 जब 0 में से 2 गया तो -2, 0 जोड़ 1 1 का स्क्वायर 1 तो हो गया -11/4, 0 जोड़ 1 1, 0 जोड़ 3 3, 3 1 जा 3, 3 × b 3b, और 0 जोड़ 3 3, 3 × 5/2 तो हो गया -15/2. अब यहाँ से कैलकुलेट किया जाए तो 3b इज इक्वल टू -2 +11/4 +15/2, तो एलसीएम ले लिए 4, तो 4 × 2 = 8 +11, 15 × 2 = 30, ठीक है. तो 30 में से 8 चला जाएगा तो बच गया 22, 22 में 11 जोड़ेंगे तो 33/4, तो 3b इज इक्वल टू 33/4. क्या निकला भाई, 3b इज इक्वल टू व्हाट, 33/4. 3b इज इक्वल टू 33/4, 11 बार में कट गया, b इज इक्वल टू 11/4. तो आप कोई भी x का मान पुट कर सकते हो, लेकिन ऐसा पुट करो जिससे फैक्टर 0 होता. तो 2 फैक्टर 0 होगा, 1 फैक्टर 0 नहीं होगा, उससे जुड़ा हुआ चीज का मान निकल जाएगा. तो b का मान निकल गया 11/4. तो यहाँ तक सारा का सारा चीज जो है उसको वीडियो को पॉज कर करके आप लोग अच्छे से नोट करिए. एंड चूंकि ए बी और सी निकल चुका है,
चूंकि ए बी और सी निकल चुका है, तो अब देखो इंटीग्रेशन में दम नहीं है भाई, दम पार्शियल फ्रैक्शन में भी नहीं है, लेकिन कुछ जो बच्चे हैं थोड़ा डरते हैं, तो पेशेंस फुल्ली इसको बनाइए। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, भाई हमारा मामला यही था, और इसको मान लेते हैं आई। तो बेटा माइनस 11/4 बाहर आ गया, तो डी एक्स बटे एक्स प्लस 3, 11/4 बाहर आ गया, डी एक्स बटे एक्स प्लस 1 प्लस 5/2 डी एक्स बटे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। आई इज इक्वल टू माइनस 11/4 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस 11/4 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। क्या हो गया भाई, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 1 पर पावर माइनस 2। अब भाई इंटीग्रेशन पहले ही बताए हैं, कुछ है नहीं इंटीग्रेशन में, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 खूब हो सकता है, तो भाई 11/4 कॉमन लेना, लॉग ए माइनस लॉग बी को लॉग ए बाई बी में लिख लोगे, सिंपल सिंपल काम है, प्लस एक्स पर पावर एन का जो इंटीग्रेशन होता है एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1। अब ये आप सुधार लो खुद से, और यहाँ लिख देना माइनस 1, यहाँ लिख देना माइनस 1, माइनस 1 को इधर ले जाना, इसको नीचे ले जाना, आ जाएगा आंसर, ठीक है। और 11 बाई कॉमन ले लोगे, 11/4 हो सकता है लॉग ऑफ दिस माइनस लॉग ऑफ दिस इज लॉग ऑफ दिस बाई दिस, लिख सकते हो, तो ऐसा भी लिख सकते हो। चलो एक सवाल इस पर हम लोग और लेते हैं, और बहुत सिंपल है क्वेश्चन। तो कैसे उसको हम लोग लेंगे, उसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। अब नीचे में लीनियर हो, लीनियर का स्क्वायर हो, क्यूब हो, कैसे फैक्टराइज करते हैं, ये बात समझ में आया। अब मान लो इसमें थोड़ा सा और बढ़िया सवाल कर सकता है, नीचे में कोई लीनियर हो और साथ ही साथ कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन हो। थोड़ा सवाल ढूंढने दो बेटा, अच्छा सवाल कराते हैं आप लोग को। मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब देखो क्या है, ऊपर में कांस्टेंट है, नीचे में क्यूबिक है, ऊपर में 0 डिग्री है, नीचे में 3 डिग्री है, तो इसको बनाते कैसे। तो सबसे पहले 1 बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को नीचे में लीनियर हो ना, तो ऊपर में कांस्टेंट डालेंगे, नीचे में लीनियर की जगह क्वाड्रेटिक हो तो ऊपर में लीनियर डालेंगे, बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक रहे तो लीनियर डालेंगे, लीनियर रहे तो कांस्टेंट डालेंगे, लीनियर रहे तो कांस्टेंट डालेंगे, क्वाड्रेटिक रहे तो लीनियर डालेंगे, क्यूबिक रहे तो क्वाड्रेटिक डालेंगे, 4 डिग्री रहे तो 3 डिग्री डालेंगे, तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। और मान लो 1 बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर रहे, तो लीनियर के नीचे ऊपर कॉन्स्टेंट, और ये लीनियर है लेकिन उसका होल स्क्वायर है, तो एक बार b बटे लीनियर और उसके बाद c बटे लीनियर का होल स्क्वायर,
तो ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, लेकिन ये किसी लीनियर का होल स्क्वायर है ना, तो ए बाय दिस जोर बी बाय दिस प्लस सी बाय दिस का स्क्वायर इसमें टूटेगा। अगर यहाँ क्यूब रहता होल क्यूब तो लिखते डी बाय एक्स प्लस टू का होल क्यूब, ऐसे टूटता। लेकिन अगर यहाँ पर प्योर क्वाड्रेटिक दिख जाए एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो किसी का होल स्क्वायर है नहीं लीनियर का, एक क्वाड्रेटिक है, तो ऊपर में क्या लिखेंगे भाई, लीनियर लिखेंगे, कोई दिक्कत। देखो बच्चों इस प्रकार के सवाल को हम लोग बनाते कैसे हैं, तो 1 बाय एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, भाई मामला सिंपल है, अगर पार्शिएट कर पाए तो इंटीग्रेट कर लेंगे, नहीं कर पाए तो मुश्किल है भाई करना। ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन बी एक्स सी इंटू बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन, हम लोगों को a और b का ऐसा मान निकालना है ताकि x के हर वैल्यू के लिए LHS और RHS आपस में बराबर हो जाए। तो दोनों का डिनोमिनेटर आपस में बराबर है, तो दोनों आपस में बराबर x के हर वैल्यू के लिए हो, यह तभी संभव है जब दोनों का न्यूमिनेटर x के हर वैल्यू के लिए आपस में बराबर हो जाए। a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन बी एक्स प्लस सी, अब दिमाग में सेट करो कि ऐसा वैल्यू पुट करना है कि डाटा अधिक से अधिक गायब हो जाए, दोनों आपस में बराबर है x के हर मान के लिए, तो x इक्वल टू माइनस वन के लिए भी होगा। तो जैसे ही हम लोग x का मान माइनस वन पुट करेंगे तो ये डिपार्टमेंट क्या हो जाएगा, ये जीरो, तो ये पूरा जीरो, तो माइनस वन का स्क्वायर वन प्लस वन दैट इज ए, तो भैया यहां से पता चल गया कि ए का मान हाफ है। अब जो मान पता चल गया कि ए का मान हाफ है, टू ए बराबर वन, तो ए बराबर वन बाई टू, तो भाई ए का मान वन बाई टू रख दो, ठीक। अब क्या पुट करना है तुम्हारी मर्जी, लेकिन जो भी पुट करोगे बी और सी का मान वही आएगा। तो मेरा सलाह मानो, थोड़ा आसान सा वैल्यू पुट करते हैं, चलो एक्स का मान जीरो पुट कर लेते हैं, तो ए का मान जो आया वो हाफ आ चुका है और हम लोग डी की जगह पर लिख भी चुके हैं। वन बराबर वन बाई टू, जीरो का स्क्वायर जीरो, जोर वन, वन हो गया, जीरो बीजा जीरो, जोर सी सी हो गया, और जीरो जोर वन वन हो गया। अब एक में हाफ इंटू वन हाफ हो गया, एक में हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा, तो भाई सी भी हाफ आया, तो सी भी क्या आ गया, हाफ आ गया। जो जो पुट होते जाए आप उसको रखते चलो, तो सी का मान बच्चा क्या आ गया, बच्चों बोलो हाफ आ गया। अब रहा एक तो बी, चलो इस बार क्या करते हैं, एक्स का मान वन पुट कर लेते हैं, आसान है, वन बराबर वन का स्क्वायर वन और वन टू, तो हाफ इंटू टू, बी वन जब बी प्लस हाफ और वन और वन टू, वन प्लस वन टू, एक्स का मान क्या पुट कर रहे हैं, वन पुट कर रहे हैं, तो टू वन जब टू कट गया, वन बराबर वन प्लस टू बी प्लस वन, इसको जब इससे गुना करेंगे टू बी मिलेगा, इसको जब इससे गुना करेंगे तो वन मिलेगा, ये और वन वन कट चुका है, टू बी बराबर टू बी प्लस वन बराबर जीरो, तो बी बराबर माइनस वन बाई टू, तो बेटा क्या आ गया, बी बराबर माइनस वन बाई टू, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से ए बी सी हम लोग को मिल गया। तो बच्चों देखो अभी ए बी सी मिलने के बाद करना क्या है, आप इसको नोट करो वीडियो को पॉज करके। देखो बच्चों जब ए बी सी हमको मिल गया तो क्या करेंगे, तो पुट करेंगे, दिस इंप्लाइज पुट ए इज इक्वल टू व्हाट, 1 बाई टू, बी इज इक्वल टू वाट माइनस वन बाई टू, सी इज इक्वल टू वाट 1 बाई टू, दिस इंप्लाइज 1 बाय एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन बिकम्स, सबसे 1 बाई टू कॉमन ले लो, 1 बाय एक्स प्लस वन
माइनस एक्स प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अब कहता है इंटीग्रेट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, चलो भाई कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कोई बड़ी बात नहीं। अब इसके इंटीग्रेशन को मान लेते हैं कि भाई आई है, तो देखते हैं भाई i का मान क्या आता है। तो 1 बाई टू वन बाय एक्स प्लस वन डी एक्स प्लस, ये 1 बाई टू अंदर गया, माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन। यहाँ पर चूंकि ये आसानी से टूट जा रहा है, ठीक है ना, ये हाफ एक बार इसे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसे मल्टीप्लाई होगा, इस माइनस को बच्चों क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लिए, दो से गुना करेंगे और दो से भाग करेंगे। देखो क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो इतना इंटू डी एस डी टी आ जाएगा। तो हम थोड़ा शॉर्टकट है बनाते हैं, आप एक बार अच्छे से दिमाग लगा के देखना, वन बाय एक्स प्लस वन का हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस वन। तो हमारी उम्मीदें तुमसे है, दो तीन क्लास हो चुका है, थोड़ा आप समझदार हो चुके हैं। वेन वी टेक एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टी, देन टू एक्स इंटू डी एक्स डी टी, डी टी बाई टी इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी, लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी, और टी बेटा किसको माने हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन को माने हैं। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा, और प्लस वन बाई टू वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है भाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस थी, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस थी। तो बच्चों ये ही तीन प्रकार का पार्सल फ्रैक्शन है जो आज आपको हम सिखाए कि लीनियर रहे तो क्या होगा, किसी लीनियर का स्क्वायर और क्यूब डिनोटर में रहेगा तो क्या होगा, और कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन डिनोटर में रहेगा तो कैसे उसको पार्सल फ्रैक्शन की मदद से हम लोग उसको तोड़ते हैं, मतलब जब तक वो साथ है तब तक भारी है, उसका इंटीग्रेशन करना टफ है, जैसे वो थोड़ा अलग हो जा रहा है हम लोग उसको पार्सिएट कर दे रहे हैं, टुकड़े टुकड़े में तोड़ दे रहे हैं, तो टुकड़े टुकड़े में उसको इंटीग्रेट कर करके हम लोग आसानी से बना सकते हैं। अगला क्लास बच्चों हम लोगों का क्या है, डिफिनिट इंटीग्रेशन अगले क्लास में स्टार्ट होगा। आप तो इसके सवाल को सारा रात बैठ के बनाओ, फिर कल जो है डिफिनिट इंटीग्रेशन का सारा प्रॉपर्टी और फॉर्मूला पढ़ करके आना है, अगले क्लास में हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए गुड नाइट।